बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने एक्शन थ्योरीज का आगाज किया था, जिसमें हमने अपन एक्शन थ्योरी की डिटेल आपसे शेयर की थी कि आप एक टेबल में मौजूद डाटा को किसी दूसरे टेबल के डाटा के साथ किसी दूसरे टेबल में किस तरह से अपेंड करवा सकते हैं। इसके लिए हमने आपको अपेंड की थ्योरी क्रिएट करना सिखाई थी। आज के लेक्चर में हम एक्शन थ्योरीज का पार्ट टू अपडेट एक्शन थ्योरी की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे, यानी एक टेबल में मौजूद डाटा को आप किस तरह से क्यूरी के जरिए अपडेट कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों आइए वक्त को जाया किए बिना इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों अपडेट की क्यूरी के थ्रू, यानी ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है क्यूरी टाइप के बार के अंदर की अपडेट का, इस ऑप्शन के थ्रू आप ना सिर्फ एक टेबल में मौजूद किसी भी डाटा को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बल्कि आप इस पर अपना क्राइटेरिया भी अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक टेबल है एम्प्लॉय का, तो इस एम्प्लॉय के टेबल में अगर मैं इस कॉलम के बजाय, इस कॉलम नेम के बजाय, इस कॉलम में मौजूद किसी पर्टिकुलर आइटम की आइटम को अपडेट करना चाहती हूँ, उसको चेंज करना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं क्राइटेरिया का मेथड अप्लाई करूंगी। यानी अपडेट क्यूरी में आप क्राइटेरिया को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से, आइए इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक एम्प्लॉय है उसामा शफी, जो कि जा रहा है और इसकी जगह एक नया एम्प्लॉय आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल इसके रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, आप क्रिएट के बार पर जाएंगे, इसके बाद इस क्यूरी के ग्रुप पर आपको एक और ऑप्शन नजर आ रहा होगा क्यूरी डिजाइन का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप इस डेटाबेस में मौजूद कौन से टेबल के डाटा को अपडेट करना चाहते हैं, तो मैं इस एम्प्लॉय के टेबल को अपडेट करना चाहती हूँ। मैंने आप ऐड पर क्लिक किया और इस विंडो को क्लोज कर दिया। अब दोस्तों हमें ये बताना है कि हम कौन सी फील्ड्स को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों हम एम्प्लॉय आईडी को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, फर्स्ट नेम को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, लास्ट नेम को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, जॉब टाइटल को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, एड्रेस को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अभी आप गौर करें तो हमें डिस्प्ले नहीं करवाना, बल्कि अपडेटेड डाटा को डिस्प्ले करवाना है, यानी हमें यहाँ पर डाटा को अपडेट करना है। तो आप इस अपडेट पर क्लिक करेंगे। अपडेट पर क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी अपडेटेड वैल्यू क्या होगी। मिसाल के तौर पर दोस्तों मेरी अपडेटेड वैल्यू है कि मैं उसामा शफीक की जगह जो नया एम्प्लॉय आया है वो है रहमान मलिक। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी कि जो फर्स्ट नेम है उसका है रहमान, और मुझे चेंज किस में करवाना है दोस्तों, मुझे फर्स्ट नेम उसामा की जगह चेंज करवाना है रहमान। तो मैंने लिखा रहमान और क्राइटेरिया दिया उसामा का, आप ये नाम भी और कर लें OSS, ओके। आपने यहाँ पर लिखा OSS, यानी अपने एम्प्लॉय का नेम दिया। यानी दोस्तों जो चीज आप अपडेट करवाने के बाद रिजल्ट के तौर पर देखना चाहते हैं वो आप अपडेट टू के आगे लिखेंगे, और जो चीज आप चेंज करवाना चाहते हैं, जिसकी जगह चेंज करवाना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर क्राइटेरिया के ऑप्शन में देंगे। इसी तरीके से दोस्तों आप शफीक की जगह लिखना चाहते हैं लास्ट नेम में मलिक, ये हमने मलिक लिख दिया, और यहाँ पर आप मलिक से पहले वहां पर क्या रिकॉर्ड लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है शफीक SHAFIQ, इस तरह से दोस्तों। यानी दोस्तों अपडेट के लिए आपको बताना पड़ेगा कि आपकी अपडेटेड वैल्यू क्या होगी, और अपडेटेड वैल्यू से पहले कौन सी वैल्यू है जिसको आप अपडेट करना चाहते हैं। दोस्तों आपने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया, सेट करने के बाद आप वही पुराना वाला काम करेंगे, आप इस रिजल्ट के बारे में जाएंगे, इस डन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब ये आपसे कह रहा है यू आर अबाउट टू अपडेट वन रॉ, जाहिर है दोस्तों हम क्योंकि एक ही एम्प्लॉय की आईडी जो है, एक ही एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अपडेट करवाना चाहते हैं, यानी एक ही रॉ को अपडेट करना चाहते हैं, तो ये हमें बता रहा है कि अब आपका जो रिजल्ट के तौर पर सिर्फ एक रॉ अपडेट होगी। हमने यस पर क्लिक किया। यस पर क्लिक करने के बाद अब हम दोबारा इस एम्प्लॉय के टेबल पर जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस उसामा शफीक की जगह फर्स्ट नेम रहमान और लास्ट नेम मलिक आ गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपडेट की क्यूरी को अप्लाई कर सकते हैं, आप उसमें अपना क्राइटेरिया दे सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप जॉब टाइटल में भी अपना क्राइटेरिया दे सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर एम्प्लॉय जो है उनका जॉब टाइटल है सीनियर मैनेजर, और मैं यहाँ सीनियर मैनेजर की जगह अब मैनेजर अपडेट करवाना चाहती हूँ। दोस्तों मैं सिंपली क्या करूंगी, मैं दोबारा से एक क्यूरी क्रिएट करूंगी, क्यूरीज के इस ग्रुप के अंदर क्यूरी डिजाइन पर क्लिक करूंगी, क्योंकि मैं एम्प्लॉय के टेबल में टाइटल की फील्ड के अंदर सीनियर मैनेजर को मैनेजर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, अपडेट करना चाहती हूँ। तो मैं इस एम्प्लॉय के टेबल को ऐड करवाऊंगी, इसके बाद इस विंडो को क्लोज कर दूंगी।
अब दोस्तों आप जो है वो क्या क्या चीजें डिस्प्ले करवाना चाहते हैं अपडेट होने के बाद। मैं एम्प्लॉय आईडी डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ, फर्स्ट नेम डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ। तो आप उन तमाम फील्ड्स को जिनको आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं आप दोस्तों सिलेक्ट कर लेंगे डबल क्लिक के थ्रू इस तरह से। इसके बाद दोस्तों आप अपडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस बार के अंदर आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे अपडेट टू एंड क्राइटेरिया का। तो दोस्तों पहले हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अपडेट करना सीखा था, अब हम जॉब टाइटल को अपडेट करवाना चाहते हैं, यानी जहां पर भी हमारे सीनियर मैनेजर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर सीनियर मैनेजर नजर आ रहा है एक दो और तीन जगह, इन तीनों की जगह अब अप्लाई हो जाना चाहिए मैनेजर, यानी अपडेट हो जाना चाहिए मैनेजर। तो इसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे अपडेट टू में अपडेटेड वैल्यू मैनेजर, और आप दोस्तों किसकी जगह ये अपडेट करवाना चाहते हैं वैल्यू, ये हम करवाना चाहते हैं सीनियर मैनेजर की जगह, ये आपने सीनियर मैनेजर लिख दिया। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, आप इस रिजल्ट के ग्रुप के अंदर इस रन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपने देखा था दोस्तों ये जो हमारा सीनियर मैनेजर लिखा हुआ था ये तीन जगह पर लिखा हुआ था, तो यानी अब आपने जब इसको अपडेट किया है तो अपडेट भी तीन रोज के अंदर ही होगा। तो इसके लिए आपको बता रहा है कि यू आर अबाउट टू अपडेट थ्री रोज, आप यस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपने इस एम्प्लॉय की टेबल पर गौर करें तो जहां जहां मैनेजर लिखा, जहां जहां सीनियर मैनेजर लिखा हुआ था अब वहां पर मैनेजर जो है वो अपडेट हो चुका है। इस तरह से दोस्तों अपडेट की क्यूरी काम करती है। यहाँ पर हमारे लेक्चर का अख्ताम हुआ, अगले लेक्चर में हम एक्शन क्यूरीज का पार्ट थ्री यानी डिलीट एक्शन क्यूरी की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे कि आप किस तरह से क्यूरी के जरिए किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करवा सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।